हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूजीन माय स्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेक चटपटा स्नैक। ये बहुत ही डिलिशियस है, क्रिस्पी है और डाइट के लिए बहुत ही हेल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, यह है अजवाइन, यह है अमचूर पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे तिल, और यह है कसूरी मेथी। इसे हमने अच्छे से क्रश करके डाला है। अब हम सारे मसालों को बेसन के साथ मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हाथ से इसे मसल लीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब हम इसमें पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। ये देखिए, ये हमारा आटा गूंद के रेडी हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए सेट कर देंगे और फिर से इसे बेलेंगे। हमने यहाँ पे बेसन को ही, सूखा आटा बेसन का ही लिया है। इसे हम पतला बेलेंगे। जब भी हम डाइट करते हैं तब हमें बहुत ही चटपटी चीज़ खाने की मन करती है, तो इसके लिए ये एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे डाइट के लिए। देखिए, यहाँ पे हमने पतला बेल लिया है इसे। अब ऊपर से हम थोड़ा ऑयल इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप अगर ऑयल को स्किप करना चाहते हैं टोटली तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से फैला लीजिए, ऑयल को अच्छे से लगा लीजिए। अब हम इसे स्ट्रिप्स में कट करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने पतले स्ट्रिप्स में इसे काट लिया है। इसी तरह से हमें इसे काटना है। ये बहुत ही इजी है, क्विक बनता है और खाने में भी हेल्दी। देखिए, एक तरफ से हमने इसे काट लिया है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे और इस तरह से लंबे स्ट्रिप्स में हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ओवन को प्रीहीट के लिए रख दिया है एट 180 डिग्री। 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे प्रीहीट कीजिए और एक बेकिंग ट्रे लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से आप इसे रखिए और इसे बेक कीजिए। ये बहुत ही क्विक बनता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं ये, और आप चाय के साथ इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।